कोई भी कानून पारित करने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। क्या कानून पारित करता उसे लिखित रूप में जो है पेश किया जाता है, तो उस जो पर्चे को पेश किया जाता है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। यही पर्चा जो है लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब इस पर अपनी सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक बन जाता है एक्ट। जब वही चीज़ ड्राफ्ट जो है अब बिल पारित की गई जो है लोकसभा में दी गई, अब वही बिल जो है अब बन जाती है एक्ट। अब इसमें जो इस एक्ट को पारित करने इसको प्रक्रिया को लागू करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। अब वो एग्जीक्यूटिव के जब हाथ में आता है तो वो अपने हिसाब से रेगुलेशन पारित करते हैं कि इनके जो है प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। एक वर्ड आता है दोस्तों ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। जैसे जो हमारी लोकसभा है राज्यसभा है अगर अपने जो है जो उनकी प्रक्रिया है अपने जो है पीरियड में नहीं है और कानून पारित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो प्रेसिडेंट्स कोई अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं तो उसको कानून मान लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो होती है हमारी उसे पालन करवाती है, लेकिन वो उसकी अवधि जो है 6 महीने तक रहती है और जब वो 6 महीने के बाद जो है स्टार्ट हो जाती है जो लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रियाएँ हैं वो जिस दिन से किया गया है उसी 6 वीक से पहले उसे नया कानून पारित कर दिया जाता है। अगर वो कानून पारित नहीं किया गया है ऑर्डिनेंस जो पारित नहीं किया गया है तो वो जो वहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसी प्रक्रिया को ऑर्डिनेंस कहते हैं। और एक वर्ड आता है स्टैटू, स्टैटू यह होता है कि जो लैटिन जो एक्ट पारित हुए हैं एक जो सिद्धांत हो जाते हैं। उस सिद्धांत क्या कहता है हमसे, उस सिद्धांत की जानने की प्रक्रिया उसको अंदर से क्या ये रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं।